अब बात करते हैं भोपाल की, जहां जयप्रकाश अस्पताल में रविवार को एक गर्भवती महिला की मौत हो गई है। महिला को प्रसव पीड़ा के चलते जेपी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उसके गर्भ में ही शिशु की मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की अनदेखी और समय से सिजेरियन ना कराने के चलते गर्भवती की मौत हुई है। महिला की मौत के बाद करीब एक घंटे तक अस्पताल में हंगामा हुआ था। अब अस्पताल प्रबंधन ने मामले की जांच के लिए 3 डॉक्टरों की कमेटी बनाई है। जानकारी अनुसार मृतक महिला चंचल पत्नी अनिल उम्र 27 वर्ष की पहली डिलीवरी होनी थी। उसे प्रसव पीड़ा के चलते जेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मृतक के पति अनिल ने बताया कि यह हमारा पहला बच्चा था। शनिवार को जब उनकी पत्नी को दर्द हुआ तो उसे लेकर जेपी अस्पताल आ गए थे। यहां लाकर उसे भर्ती कर दिया था। डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल ने कहा कि सब कुछ ठीक है, उन्होंने दर्द बढ़ाने की दवाई दे दी है। जब पूरा एक दिन गुजर गया और उनकी पत्नी को प्रसव नहीं हुआ तो कई बार डॉक्टरों के पास गया कि उसे दर्द ज्यादा हो रहा है, आप लोगों को यदि ऑपरेशन करना हो तो जल्दी कीजिए, लेकिन डॉक्टरों ने ध्यान नहीं दिया। उनकी पत्नी की मौत डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल और उनके साथ डॉक्टरों की लापरवाही के कारण हुई है। महिला की मौत की सूचना मिलने के बाद उसका पति अनिल बेहोश हो गया था। उसकी हालत बिगड़ती देख परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। करीब एक घंटे तक अस्पताल में हंगामा मचा रहा। मौके पर पहुंची पुलिस से मृतक महिला के परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। अब जाँच रिपोर्ट आने के बाद ही कार्यवाही हो पाएगी। चंचल की मौत की खबर जैसे ही अस्पताल प्रबंधन को मिली तत्काल सभी अधिकारी आ गए थे। प्रथम दृष्टया यह कयास लगाए जा रहे हैं कि चंचल के पेट में ही बच्चे की मौत हो गई थी, जिसका जहर फैलने के बाद चंचल की भी मौत हो। यदि शनिवार को ही ऑपरेशन किया जाता तो गर्भवती की जान बचाई जा सकती थी। बताया जाता है कि जेपी अस्पताल में प्रसव पूर्व गर्भवती की मौत का यह तीसरा ऐसा मामला है। कुछ महीने पहले ही एक वर्षा नाम की महिला भी जेपी अस्पताल पहुंची थी, उसकी मौत भी प्रसव पूर्व हुई थी। इससे पहले एक केस और था जिसमें गर्भवती को अंतिम समय पर सुल्तानिया अस्पताल रिफर कर दिया गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। 24 घंटे में इस कमेटी को जांच करके रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी।